यहाँ पर पूछा गया, आपको जवाब देना है। पूछा गया सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। आसान प्रश्न है, बहुत बार बता चुके हैं। महान स्नानागार की जब हम बात करते हैं तो ये प्राप्त हुआ है आपका मोहन जोदड़ो। मोहन जोदड़ो कहाँ पे, पाकिस्तान में है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए। सेकेंड नंबर देखिए, आपको बताना है आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है। चलिए यहाँ पर कमेंट करिए, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का जो संवाद है किस उपनिषद में वर्णित है। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर डी, कठोपनिषद में है वर्णित। याद रखिएगा आंसर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया, गौतम बुद्ध के द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। अभी पिछले बार प्रश्न पूछा गया था कि गौतम बुद्ध का जो जन्म किस नदी किनारे हुआ था, तो निरंजना नदी किनारे हुआ था, ये भी याद रखिएगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सुभद्र। ये कई बार पूछा भी गया है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है, कौटिल्य यहाँ पर देखिए आंसर क्या होगा, राजनीतिक जीवन से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, राजनीतिक जीवन से आपको यहाँ पर ऑप्शन लगा के आना है। ए नंबर बी नंबर आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राजनीतिक जीवन से। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, फाययान किसके शासनकाल में भारत आया था। पाँच नंबर का जवाब देना है, फाययान जो आए थे ये किसके शासनकाल में भारत आए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है, ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय कौन सा नगर सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। देखिए ह्वेनसांग जो है कई बार तो ये भी पूछ लिया गया है कि जो ह्वेनसांग थे किसके शासनकाल में आए थे, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे भारत। और पूछा गया है जब ह्वेनसांग आए थे भारत की यात्रा जब की थी तो कौन सा नगर सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, तो याद रखिएगा वो आपका नगर था मथुरा। आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर आपका बी नंबर राइट आंसर आपके यहाँ पर होगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर आसानी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर आसानी की उपाधि धारण की थी। सेवन नंबर का जवाब अलाउद्दीन खिलजी, अगर आपका जवाब है तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 की क्रांति का असम से नेतृत्व किसने किया था। देखिए 1857 की जो क्रांति थी आपकी कई जगह से नेतृत्व किया गया, कानपुर से किया गया, लखनऊ से किया गया, मेरठ से किया गया, हालांकि इसकी मेरठ शुरुआत होती है, तो ये सब याद कर लीजिए कहाँ से किसने नेतृत्व किया था। यहाँ पर असम राज्य से पूछा गया है, तो असम से जो नेतृत्व आपका किया गया था वो किया गया था दीवान मनीराम दत्त के द्वारा। याद रखिएगा नाम, दीवान मनीराम दत्त के द्वारा आपका किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है। नौ नंबर का आपको जवाब देना है, तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख जिनका भी जवाब आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। 1905 का जो ये आपका बनारस अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता आपसे पूछा गया है किसने किया था। 10 नंबर का आपको जवाब देना है, जैसा कि आप जानते हैं 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है और 1905 में आपका बनारस अधिवेशन, कई सारे अधिवेशन इनके हुए थे, तो यहाँ पर 1905 वाला पूछा गया बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता। हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले होगा। 10 नंबर का बी नंबर आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ देखिए बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, कौन सा द्वीप समूह मूंगा चट्टानों से निर्मित है। 11 नंबर का आपको जवाब देना है, चलिए 11 नंबर का आपको कमेंट करना है, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। हाँ 11 नंबर में देखिए आपसे पूछा क्या गया है, ध्यान दीजिएगा, चलिए 11 नंबर में आपको कमेंट करना है, 11 नंबर का बताया जा रहा है जवाब नंबर ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए होगा लक्षद्वीप। लघु हिमालय किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है, चलिए कमेंट करिए, लघु हिमालय किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। 12 नंबर और यहाँ पर बताया जा रहा शिवालिक हिमालय और महान हिमालय, जो कि बिल्कुल सही आंसर दिया गया है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, माजुली द्वीप भारत के किस नदी पर स्थित है। माजुली द्वीप जानते हैं असम पर है, असम में है, और ये किस नदी पर स्थित है। माजुली द्वीप कई बार बताया, ये नदी का नाम अगर हम बात करेंगे 13 नंबर में तो यहाँ आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। महाविस्फोट सिद्धांत जिसे आप बिग बैंग
बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, है ना, बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, ये किससे संबंधित है? 14 नंबर का जवाब देना है। और यहाँ पर बताया जा रहा है ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित है, जो कि बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, ये भी प्रश्न ने बहुत बार कराया है। ये आपकी कांगो नदी है, जो विषुवत रेखा को, ये आपकी जो नदी है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। अगला प्रश्न बताइए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, ये कब जोड़ा गया था आपको बताना है। 16 नंबर, तो ये आपका 42वां संविधान संशोधन आपका जो 1976 में आपका हुआ था, तभी आपके जोड़ा गया था। 44वां संविधान संशोधन आपका 1978 में हुआ था, और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के जो कर था, ये संपत्ति का जो अधिकार था वो हटा दिया गया था, इसे भाग नंबर 300 का में जोड़ा गया था। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए, संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का संरक्षणकर्ता कौन है? तो देखिए यहाँ पर मौलिक अधिकारों की बात हो रही है, तो मौलिक अधिकार में आपने पढ़ा होगा आर्टिकल नंबर 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार पढ़ा होगा, और आर्टिकल नंबर 12 से लेकर जो 35 नंबर तक आपके अनुच्छेद होते हैं, ये भाग नंबर 3 पे यहाँ पर बताया गया है, भाग नंबर 3 पे है। और किस देश से लिया गया है मूल अधिकार, मौलिक अधिकार? USA से लिया गया है, ये भी आपको पॉइंट याद रखना, USA से लिया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 भाग नंबर 3, ये सर्वोच्च न्यायालय आपकी रक्षा करता है, आर्टिकल नंबर जो 32 पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर करेक्ट आंसर आपका होगा। ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अगर हम अनुच्छेद की बात करेंगे तो ये अनुच्छेद नंबर आपका 40 होगा, जो कि बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लाया जाता है, लाया जा सकता है? अगर देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग जो आपका लगता है आर्टिकल नंबर 61, है ना, ये अनुच्छेद भी याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है, है ना, आर्टिकल नंबर कौन सा है? 61 है, 61 है, 19 नंबर में आपको बताना है। यहाँ पर किसी भी सदन के द्वारा लाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। और जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा आपका क्या होता है, निम्न सदन होता है, और राज्यसभा उच्च सदन होता है। लोकसभा का कार्यकाल आप जानते ही हैं 5 वर्ष होता है, और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ये भी आपको याद रखना है। लोकसभा और राज्यसभा में एक और अंतर आपका है, लोकसभा के लिए सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए, और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है, 20 नंबर आपको बताना है। तो आप कहेंगे राष्ट्रपति के द्वारा, और यहाँ पर यह भी ध्यान रखिएगा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा? सी नंबर वाला आपका राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत द्वितीयक क्षेत्र में सम्मिलित है, आर्थिक क्रियाकलापों में सेकेंडरी यानी आपको मतलब क्षेत्र में बताना है क्या सम्मिलित है। 21 नंबर का अगर आपका जवाब यहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, विनिर्माण, तो समझिए बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए प्राथमिक क्षेत्र आप देखे होंगे, कृषि क्षेत्र होता है, कृषि क्षेत्र जो होता है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। द्वितीयक क्षेत्र में आपका इंडस्ट्री वगैरह आ जाता है, है ना, इंडस्ट्री होगी तभी तो विनिर्माण आएगा। और तीसरा आप जानते हैं सेवा क्षेत्र, जो तृतीयक क्षेत्र कहलाता है, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? राष्ट्रीय आय की गणना की वो भी वैज्ञानिक दृष्टि से किया था। अब वैज्ञानिक दृष्टि से कौन किया था, तो याद रखिएगा, हाँ, VKRV राव। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी नंबर वाला राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, 5 वर्षीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? है ना, पंचवर्षीय योजना, पहले योजना आयोग, अब तो नीति आयोग हो गया, सभी लोग जानते ही हैं, तो योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया है। और पांच योजनाएं थी, आखिरी जो पंचवर्षीय योजना थी वो 2012 से लेकर आपकी चली थी 2017 तक, ठीक है ना, 2012 से लेकर 2017 तक चली थी। इसके बाद इसका क्या हुआ, नाम बदल जाता है, पूरा नीति आयोग हो जाता है। 23 नंबर का जवाब क्या होगा, और यहाँ पर गरीबी हटाओ, बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, उस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी जब ये नारा दिया गया था गरीबी हटाओ, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मुद्रा के दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया? मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया? 24 का जवाब देना है, और 24 का बताया जा रहा है 1 जून 1964। 1 जून 1964 आपका आंसर सही होगा। 24 नंबर का देख लीजिए, सभी का आ रहा है, है ना, 24 नंबर का आपका सी नंबर वाला सही होगा। यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित कौन सा नहीं है, 25 नंबर में आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे गोस्वामी समिति की बात करेंगे, औद्योगिक रुग्णता की समस्या है, जानकी रमन समिति ये भी आपकी है, मल्होत्रा समिति, बीमा क्षेत्र सुधार में भी हमने कई बार बताया है आपको, है ना, ये हमने आपको कई बार बताया है। ये सब तीन आपके सुमेलित हो गए, तो चौथा क्या है, ये आपका सुमेलित नहीं है, कन्फर्म हो गया, यानी बैंकों में ग्राहक सेवा आपका सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से देखिए आपको सुमेलित करना है, एक तरफ आपका यंत्र दिया गया और दूसरी तरफ आपका मापन उपयोग दिया गया है, हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, सिग्मोमैग्नोमीटर और सिस्मोग्राफ। देखिए कितना आसान प्रश्न है, इससे आसान प्रश्न का उम्मीद क्या रख सकते हैं, थोड़ा सा भी अगर लॉजिक लगाएंगे ना आराम से कर लेंगे। सिस्मोग्राफ सभी लोग जानते हैं भूकंपी तरंगों की तीव्रता मापता है,
हाँ ना, ये भूकंप तरंगों को क्या करता है, तीव्रता नापता है। हाँ, और लैक्टोमीटर जानते ही है दूध की क्या करता है, शुद्धता मापता है, यानी बी का पहला। ये मान लो ऊपर वाला ए है बी है, यानी ए का क्या होगा, हाइड्रोमीटर आपेक्षिक घनत्व मापता है, यानी ए का तीसरा बी का पहला और यहाँ पर सी का दूसरा, है ना, ये सी का दूसरा रक्तदाब मापन, यानी यहाँ पर जो विकल्प आपका जाना चाहिए 3124। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बर्नौली सिद्धांत किस नियम पर आधारित है, 27 नंबर बताइए। बर्नौली सिद्धांत, हाँ यहाँ पर बताया जा रहा है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, बिल्कुल सही है। 27 नंबर का आपका डी नंबर सही होगा। 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो बिलियन का पीएच मान क्या होगा। देखिए, बिलियन लाल लिटमस को अगर नीला कर रहा है ना, लाल लिटमस अगर है, ये बिलियन जो है लाल लिटमस को अगर नीला कर दे रहा है, तो समझ जाइएगा इसका जो पीएच वैल्यू होगा ना, वो क्या होगा, वो 7 से अधिक होती है। क्या होती है, 7 से अधिक होनी चाहिए। अब 7 से अधिक तो ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन क्या लगाएंगे, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, याद रखिएगा ऑप्शन आपका डी सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक क्या है। वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक जो आपका होता है वो लाइकेन होता है, लाइकेन आपका सही होगा। ईईजी जिसे आप कहते हैं इलेक्ट्रो, हाँ ईईजी बताइए, इलेक्ट्रो इंसीफेलोग्राम किसके कारण सूचक है, है ना, यहाँ पर बताइए 30 नंबर का जवाब क्या होगा। तो ये आपका मस्तिष्क है, इसकी जांच जो की जाती है मस्तिष्क से रिलेटेड होता है। अब यहाँ पर देखिए, गद्यांश हमारा दिया गया 66 से लेकर 70 तक, आपको गद्यांश पढ़ना है और आंसर देना है। गद्यांश आप दे सकते हैं, लिखा है परिवार का कल्याण कैसे होगा, इस प्रश्न पर विचार समीचीन है, परिवार को सीमित रखने के प्रयत्न में ही परिवार कल्याण का भाव निहित है। हमें यह बात भली प्रकार जान लेनी चाहिए कि परिवार को बिना सोचे समझे बढ़ाते चले जाना मूर्खता के सिवाय कोई बात नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश की जनसंख्या अंधाधुंध वृद्धि हो रही है, जिसके फलस्वरूप परिवार कल्याण का कार्य पिछड़ जाता है। परिवार के सभी मनुष्य को सुख शांति तभी प्राप्त होगी जब परिवार के सदस्यों संख्या कम होगी, है ना। इस तरीके से आप यहाँ पर दे सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ आपको देना है गद्यांश में सीमित शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो 66 नंबर में अगर हम आपसे कहेंगे सीमित में कौन सा है, तो आप कहेंगे सीमित में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ बाद में लगता है सीमित, ये तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गद्यांश में मूर्खता शब्द यहाँ पर बताइए व्याकरण में क्या है, अगर हम मूर्खता की बात करते हैं तो ये आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। दुर्भाग्य शब्द का विलोम क्या होगा, 68 नंबर, तो दुर्भाग्य का विलोम क्या होगा, सौभाग्य आपका हो जाएगा। जिधर देखो उधर लंबी लाइनें ही दिखाई देती हैं, यहाँ लंबी शब्द क्या है, लंबी शब्द आपका क्या होगा, तो ये आपका विशेषण हो जाएगा, ठीक है ना, लंबाई की भी विशेषता बता रहा ना लंबी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका होगा। जनसंख्या वृद्धि के कारण नौकरी के अवसर कम हो रहे हैं, व्याकरण की दृष्टि से कम शब्द क्या है, है ना, यहाँ पर आपको बताना है 70 नंबर, तो 70 का आपका हो जाएगा यहाँ पर क्रिया विशेषण, 70 क्या होगा, क्रिया विशेषण आपका हो जाएगा। यहाँ पर बताइए पित्राज्ञा, है ना, पित्राज्ञा शब्द में कौन संधि होगी आपकी, आसान प्रश्न है, यहाँ पर यण संधि होगी, है ना, कौन सी संधि होगी, यण संधि आपका हो जाएगा। शुद्ध विप्रार्थी शब्द युक्त बताइए कौन सा विकल्प है। अब देखो विप्रार्थी जो आपका युग्म दिया गया है, जैसे आपको बताना यहाँ पर क्या होगा, है ना, 72 नंबर में आपका बताना क्या होगा, तो देखिए अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है, अभिज्ञ नहीं होगा, है ना, अभिज्ञ अनभिज्ञ होगा, ये तो गलत हो गया पहला वाला। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे अनिवार्य ऐच्छिक है, मतलब वैकल्पिक हो गया, एकाग्रचित अपना मैंने अनुमोलन प्रतिलोम, यहाँ पर जो विकल्प आपका होगा ना, बिल्कुल पूर्ण तरीके से जो आपके विपरीत शब्द दिए गए हैं, ये वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका 72 का डी नंबर होगा, 72 का ए नहीं डी होगा, अब भी कान्विक होता, पहले ही गलत था आपका ही। आगे बढ़ते हैं, ऐसा का पर्यायवाची क्या होगा, 73 नंबर में आपको बताना है ऐसा का पर्यायवाची क्या होगा, 73 नंबर का आपको जवाब देना क्या होगा, ऐसा का मतलब होता है इच्छा, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द एक सही नहीं है, अभी के कौन से में आपका सही नहीं दिया गया है आपको बताना है, चलिए यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा, 74 नंबर में आपको कमेंट करना है, है ना, यहाँ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको बताना है, राइट आंसर जल्दी से कमेंट करिए क्या होगा। खाने की इच्छा के लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा, है ना, पहला तो खाने की जो इच्छा होती है ना उसके लिए एक शब्द आपका क्या होता है, वो भुच्छा होता है, यानी यहाँ पर जिजीविषा तो होगा ही नहीं, यहाँ पर इस तरीके से लिखते हैं, है ना, वो भुच्छा होता है,
इसलिए पहला ही विकल्प आपका क्या है, आपका सही नहीं दिया गया। इनमें से बताइए पुल्लिंग शब्द कौन सा है 75 नंबर में। 75 नंबर में पुल्लिंग बताइए कौन सा है, तो 75 का आपका यहाँ पर क्षेत्र क्या है, पुल्लिंग है। एक और देखिए गद्दांश आपका दिया गया है, आपको बताना है आंसर क्या होगा। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, वे वृद्ध होते हुए भी मन से युवा थे, उनका उच्चारण स्पष्ट नहीं था फिर भी उनकी वाणी में जादू था, कई लोग तो उन्हें प्रत्यक्ष रूप से देव या भगवान मानते थे, वे बहुत ईमानदार व सहृदय थे, उनका कहना था प्रत्येक छोटे छोटा काम मैं स्वयं कर लूँगा। 30 जनवरी 1948 को आप इस संसार से विदा हो गए, उनका जीवन सन्यासी अथवा महर्षि जैसा था। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया है, रेखांकित शब्द में कौन संज्ञा है, अगर हम बात करेंगे तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा आपका हो जाएगा। वृद्ध शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, 70 नंबर, तो वृद्ध की भाववाचक संज्ञा आपकी वृद्धा बन जाएगा। गद्यांश में प्रयुक्त शब्द उच्चारण शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द का बताना है, यहाँ पर क्या होगा 78 नंबर में, तो 78 नंबर में उपसर्ग की बात करेंगे, उच्च उच्चारण मूल शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। गद्यांश में प्रयुक्त शब्द प्रत्यक्ष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, प्रत्यक्ष उपसर्ग यानी पहले आते हैं, और उपसर्ग की बात करेंगे तो यहाँ पर प्रति आपका हो जाएगा, प्रति बिल्कुल सही है। महर्षि शब्द का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा, 80 नंबर, तो महर्षि का संधि विच्छेद यहाँ पर होगा महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि क्या होगा, महर्षि का संधि विच्छेद होगा। भारत की स्थलीय सीमा से लगने वाले कुल देशों की संख्या कितनी है, 81 नंबर बताइए, भारत की स्थलीय सीमा से, हाँ बात बिल्कुल सही है, भारत की स्थलीय सीमा से लगने वाले कुल देशों की संख्या कितनी है, 81 नंबर, तो आपके 7 देश हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए जॉर्जिया की राजधानी क्या है, 82 नंबर बताइए, जॉर्जिया की राजधानी क्या है, 82 नंबर यहाँ पर बताया जा रहा है, हाँ ना, तिबलिसी बिल्कुल सही है, तिबलिसी जिनका भी जवाब है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में दो बार कार्य किसने किया था, राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में दो बार कार्य किसने किया था, 83 नंबर में आपको जवाब देना है, और यहाँ पर बताया जा रहा है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि बिल्कुल सही आंसर है आपका, बी नंबर आपका हो जाएगा। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है, वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है, 84 नंबर बताइए, चलिए 84 नंबर में देखिए आपको कमेंट करना है राइट आंसर क्या होगा। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा, हाँ ये आपका मनाया जाता है 26 दिसंबर को मनाया जाता है, 26 दिसंबर। अगला प्रश्न बताइए यूके यूएसए जर्मनी और जापान के अलावा G7 में शामिल देश कौन कौन से हैं, 85 नंबर, तो इसमें जो शामिल देश हैं आपके कनाडा है, फ्रांस है और इटली है, कनाडा फ्रांस इटली है, 85 का डी होगा। भारतीय रेलवे रेल कोच फैक्ट्री किस शहर में स्थित है, है ना, ये आपकी कहाँ पर है, कपूरथला में, कपूरथला यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, भारतीय रेलवे कोच फैक्ट्री किस शहर में स्थित है, कपूरथला। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है, किस नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है, 87 नंबर, तो 87 नंबर का आपका जवाब होगा यहाँ पर कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य भी है, याद रखिएगा। कौन सा पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, 88 नंबर का बताइए जवाब क्या होगा। यहाँ पर बताया जा रहा राइट लिवलीहुड, बिल्कुल सही जवाब है, राइट लिवलीहुड को हम वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जानते हैं, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, 88 नंबर का आपका ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न बताइए गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है, 89 नंबर बताइए, गोरुमारा जो राष्ट्रीय उद्यान है किस प्रदेश में है, तो यहाँ पर अगर आपका जवाब आ रहा है पश्चिम बंगाल तो समझिए बिल्कुल सही जवाब है, वेस्ट बंगाल होगा। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कब होता है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कब होता है, 90 नंबर बताइए, 90 का आपका जवाब हो जाएगा 22 दिसंबर को होता है, कब होता है 22 दिसंबर को होता है, ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पर डी नंबर करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आपके प्रश्न थे आपके कंप्लीट हो चुके।